काम की बात करें? या yeah, ऑफ कोर्स। सो मिस्टर आर्य, मुझे तुम्हारा ये इन्वेंशन बहुत पसंद आया। आई मीन द विजन यू हैव, इट्स माइंड ब्लोइंग। एंड यू नो, तुम्हारे इस इन्वेंशन से हमारे देश दुनिया को बहुत बेनिफिट होगा। आई मीन द वर्ल्ड विल प्रॉस्पर एंड विल गेट सेव टू। हाँ सर, मतलब आप जैसे जानते हैं दुनिया की आयु दिन ब दिन कम होती जा रही है, साथ ही साथ हम उसे और उसके रिसोर्सेस को यू एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं। बट सर, माय इन्वेंशन, इट विल स्टॉप ऑल ऑफ दिस। पर सर, उसमें एक डिफिकल्टी है। डिफिकल्टी है? क्या डिफिकल्टी है? हाँ सर, मतलब उसे कंप्लीट करने के लिए मुझे यूएस और जर्मनी के फाइनेस्ट टेक्नोलॉजीज की हेल्प चाहिए होगी, और उसके लिए थोड़ा पैसा चाहिए होगा। और सर, इस प्रोजेक्ट को इस देश में अच्छे से रिकॉग्निशन भी नहीं मिलेगा सर। लेट मी होल्ड यू हियर। तुम्हें ये प्रोजेक्ट बाहर जाके पूरा करना है? हाँ सर, क्योंकि उसे यहाँ पे कंप्लीट करना इम्पॉसिबल है। धैर्य धैर्य सर। आर्य आर्य, यही माय बॉय, दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है अगर तुम्हें वो करने की सिद्ध हो तो। सर, ये सब कहने की बात है। सर, इस देश में इतने अवेलेबल रिसोर्सेस ही नहीं है कि मैं इस प्रोजेक्ट को उसके फुल पोटेंशियल तक डेवलप कर सकूं। It is mere waste of time, sir. आप समझ? अरे तो इसमें मेरा क्या फायदा? हाँ? मतलब? देख भाई, hair study. मैं तुझे मुंह मांगे पैसा दूंगा, पर एक शर्त पर। अगर तू इस प्रोजेक्ट को अगले महीने तक यहाँ कंप्लीट कर पाता है तो, और अगर नहीं कर पाता है तो मैं तुझे बाहर जाने के पैसे दूंगा ना। ओके, बट योर फर्स्ट प्रेफरेंस इट शुड बी कम्प्लीटिंग इट हियर विद केएम टेक्नोलॉजीज। और तू सरकार की चिंता मत कर, वो मैं देख लूंगा। तो बस चल कर। अरे तुझे और क्या चाहिए? तू जहां देखेगा वो देख, हर जगह तेरा नाम। हाँ। हर अखबार में आर्य देव की चर्चा। क्या बात कर। हाँ, और क्या चाहिए तुझे? वो देख, पद्म भूषण। हाँ। फिर वहां से आ रहा है पद्म विभूषण। हाँ। और पैसा। पैसा? अरे अंधा पैसा। अंधा पैसा? हाँ, 500 करोड़। 500 करोड़? अरे करोड़पति बना तू। करोड़पति? अरे और क्या चाहिए तुझे? और क्या चाहिए? ऐश। ऐश। आराम। आराम। और ये दारू। दारू? हाँ दारू। ऐसे की चिंता मत कर, वो मैं देख लूंगा। अरे क्या नहीं हो सकता इस देश में? अरे जिस देश में गंगा जमुना बहती है, अरे आर्यन के वेद है, अरे जिस देश में कलाम जैसे होशियार लोग पैदा हुए हैं, क्या नहीं हो सकता उस देश में? तू चिंता मत कर, तू आराम कर, दारू पी। आगे हवा ही हवा है, अगर जान है तो ये रोमांसिक है। दारू पी। 500 करोड़। संख्या शास्त्र
इसकी रूपांतरण की विधि वहाँ पे स्पष्ट रूप से दी गई है। अगर गौर से देखें इस शास्त्र को तो यहाँ पे हम लोग एक्सक्यूज मी हे वो सब आचार्य इस बात की सहायता चाहिए आपको जी नहीं वो कल पहली बार इतनी दारू पीना इसलिए वो थोड़ा वो पीछे जाके आऊं देखने में तो आप नए लगते हैं किस प्रदेश से आए हैं प्रदेश अंधेरी 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 ये कौन सा प्रदेश है इस प्रदेश के बारे में तो पहले कभी हमने सुना ही नहीं व्हाई आर यू टॉकिंग लाइक दिस मैन व्हाट्स हैपनिंग देखिए तो भाषा भी अलग ही है इनकी प्रतीत होता है बहुत दूर प्रदेश से आए हैं परंतु देखने में तो अद्यता नहीं लगते एक मिनट मुझे नहीं पता मैं यहाँ पे कैसे आया किस रिक्शा वाले की माँ भंड हो गई जो मुझे यहाँ पे यहाँ पहुंचे हो तो जरूर ही कोई ज्ञानी होगे पर फिर भी ऐसे अनूठे सवाल यहाँ के पत्ते पत्ते को इस जगह की महानता के बारे में पता है यहाँ का जल भी बहता है तो ज्ञान की शपथ लेकर यहाँ के हर एक वस्तु हर एक चीजों हर एक लोगों में असीमित ज्ञान है गूगल क्या चल रहा है अब ये कौन आ गया भाई अरे आप इन्हें नहीं पहचानते ये है हमारे यहाँ के धर्म गुरु इनका ज्ञान इतना ऊंचा है कि हिमालय भी पीछे छूट जाता है और गहराई इतनी कि सागर भी मात खा जाता है इनकी आज्ञा के बिना तो नालंदा में ना हवा बहता है ना जल बहता है हम सब इन्हीं की तो आज्ञा का पालन करते हैं एक सेकंड मुझे बताओ ये एग्जैक्टली क्या चल रहा है आप कौन है ये कौन है ये जगह कौन सी है नालंदा जिसके नाम का अर्थ ही ज्ञान का अखंड प्रवाह जो निरंतर 800 वर्षों से बह रहा है उसे कैसे नहीं पहचान रहे हैं आप जी ये जगह जो 10,000 से ज्यादा शिष्यों और 1500 से ज्यादा ज्ञानियों की विशेषज्ञताओं से समृद्ध है जहां दूर दूर तक देखा जाए तो गंगा तट के किनारे सिर्फ बड़े बड़े ज्ञान के मंदिर दिखेंगे जहां की भूमि पर वेदों का पठन कर पूजा करी जाती है और जहां के धर्म भुज में 10,00,000 से भी ज्यादा पुस्तिकाएं हैं ऐसी असीमित ज्ञान प्रदान भूमि के परिचित ना होना उसका अपमान करने जैसा है I'm sorry. मुझे क्षमा कर दीजिए अरे आपके क्षमा मांगने लगे जी नहीं बहुत पढ़ा था मैंने इस जगह के बारे में नागार्जुन वासुबंधु जैसे महान ज्ञानियों ने यहाँ पे शिक्षा प्राप्त की है रसशास्त्र अर्थशास्त्र गणित भूमिति इन सारे शास्त्रों की जानकारी है इस जगह में क्या मैं ये शास्त्र पढ़ सकता हूँ जी बिल्कुल वो ज्ञान ही क्या जो लोहे के टुकड़ों को स्वर्ण तेज न दे सके नालंदा के द्वार हमेशा के लिए सबके लिए समान रूप से खुले हैं गुरुजी क्या हुआ वासु गुरुजी एक कठिनाई थी कठिनाई किस बात की कठिनाई गुरुजी आज पूर्णिमा है तो चांद को अपनी पूरी आकृति में सफेद होना चाहिए सही बिल्कुल परंतु वो कोने में काला दाग कैसा चंद्रमा पर ऐसी अनूठी परछाई पहली बार ये दाग कैसा है ये क्या कह रहे हैं ये संभव कैसे है हमें तो लग रहा है किसी श्राप का परिणाम है लॉल ग्रहण 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 जब सूरज की रोशनी की वजह से पृथ्वी की परछाई चंद्रमा पर गिरती है तब ग्रहण होता है अब देखिए ये थोड़ा सा अंधेरा है ना ये धीरे धीरे पूरे चंद्रमा को निगल जाएगा हे भगवान ये कैसे संभव है क्यों नहीं जब सूर्य मंडल के मध्य में सूर्य स्थित और यहाँ तीसरे स्थान पर स्थित पृथ्वी के भीतर चंद्रमा चक्कर काट रहा हो तो हर 4 साल में एक बार ये तीनों एक रेशा में आएंगे और इसकी वजह से ग्रहण होगा ज्ञान तो हमें पहली बार मिल रहा है धर्म गुरु इस शास्त्र के बारे में तो पहले कभी हमने पढ़ा ही नहीं और क्या क्या जानते हैं आप इसके बारे में ये देखिए सूर्य है जो मध्य में स्थित है और यहाँ से इन सितारों की चमकने की वजह है सूरज की रोशनी
और इन सितारों के हिलने की वजह है पृथ्वी का खुद के भीतर घूमना। पृथ्वी का खुद के भीतर घूमना? जी हाँ, पृथ्वी एक दिन में खुद के भीतर एक बार घूमती है और इसी की वजह से दिन और रात संभव है। मतलब अभी यहाँ दिन है और पृथ्वी का आकार गोल है तो दूसरी तरफ रात होगी? जी हाँ, दूसरी तरफ रात होगी। नालंदा पर पहले भी कई बार आक्रमण हुए हैं, लेकिन वो हर बार पुनर्जीवित हो उभर आया है। पर इसे ज्ञान के मंदिरों को क्यों नष्ट क्यों करना चाहेगा? अरे यहाँ का ज्ञान दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है, और जो दिमाग इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाता है उसमें अहंकार चढ़ जाता है, और वही अहंकार उस ज्ञान को नष्ट कर देता है। धर्मगुरु, धर्मगुरु, बख्तियार खिलजी की सेना हमारे पंच करोसी में डेरा लगाए बैठी है, और वार्ता तो ये भी है कि बख्तियार खिलजी की हालत बेहद ही गंभीर है। अच्छा है, बड़ा टली। ऐसे क्या कह रहे हो वासु? क्या सुल्तान बहुत गंभीर है मुनिवर? जी हाँ, और हर बीतते दिन के साथ उनकी हालत और भी गंभीर होती चली जा रही है। वासु जी, हमारे आरोग्य शास्त्र में निपुण बजाज को वहाँ भेज दी। ये क्या कह रहे हैं? काटने या बिच्छू को जहर देने के बजाय उसी डंक में जहर भर रहे हैं आप? सुल्तान हमारे दुश्मन नहीं है वासु, अगर हम उन्हें अपनी विद्या से ठीक कर पा रहे हैं तो हम दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। गुरु आप इधर इस समय, अरे आप आइए बैठिए। इतनी रात गए सितारों में ऐसा क्या खोजने की कोशिश कर रहे हैं? कुछ खोज नहीं रहा, बस देख रहा हूं। देख रहे हैं जी?
बड़ा अलग छंद है आपका, बस देख रहे हैं। अरे कभी कभार कुछ करने से बेहतर कुछ ना करना भी होता है। और जहां तक बात रही खोजने की, और ये क्या हुआ, जहां तक बात हुई खोजने की, तो जो मन चाहे वो अवश्य मिल ही जाए ऐसा आवश्यक नहीं। कभी कभार वो वस्तु खुद चलकर हमारे पास आती है। वैसे आप क्या खोज रहे हैं इधर जी? वो मेरे एक आविष्कार की समस्या का हल ढूंढ रहा था। अच्छा, तभी आप इतने दिनों से धर्मगुंज की हर किताबों के पन्ने छान रहे थे? जी हाँ, पर अभी तक मिला नहीं। अरे वैसे आपका ये आविष्कार है किस प्रकार का? वो मैं ऐसे आपको समझा नहीं सकता, पर यूं समझ लीजिए कि एक गंभीर समस्या का हल है। कैसी गंभीर समस्या? ऐसी कि जिसमें सारी जीव सृष्टि तबाह हो रही, या फिर वसुंधरा खत्म हो रही हो। ये भी कोई समस्या है यार? इन तारों से भरे काले आसमान में आपको क्या नहीं दिखाई देता है? चंद्रमा जी, और वो क्यों? ऐसी क्या बात कर रहे हैं, आज तो अमावस्या है इसलिए। जी हाँ, ये चंद्रमा भी बहुत अजब है। अमावस्या से पूर्णिमा तक रोशनी बढ़ती है, और पूर्णिमा से अमावस्या तक अंधेरा बढ़ता है। आज अमावस्या है, लेकिन इससे चंद्रमा का अस्तित्व तो खत्म नहीं हो जाता। कुछ ऐसा है जो है भी और नहीं भी, और जब कुछ नहीं होता तभी तो कुछ नए की शुरुआत होती है। ये ब्रह्मांड चल रहा है और इसमें हर वस्तु का एक समतोल है। पराभव है इसीलिए विजय है, मृत्यु है इसीलिए जन्म है, अंत है इसीलिए शुरुआत है। पर इस अंत का ऐसा कोई ठोस उत्तर क्यों नहीं है? Why isn't there a proper solution? आरे, आपकी समस्या ये नहीं है कि आपके आविष्कार में कोई कठिनाई है, परंतु ये है कि आप समस्या के मूल को नहीं समझते। रूखे पत्तों पर नहीं, मूल पर पानी डालिए, मूल पर। धर्मगुरु, धर्मगुरु, हमारे साथ विश्वासघात हुआ है। धर्मगुरु, बख्तियार खिलजी की सेना ने हम पर आक्रमण कर दिया है। धर्मगुरु, और खबर तो ये भी है कि पूरी नालंदा को नष्ट कर देना चाहते हैं। धर्मगुरु बताइए, धर्मगुरु हम क्या करें? अब आप ही कुछ हल बताइए। धर्मगुरु कुछ तो बोलिए। धर्मगुरु बोलिए। धर्मगुरु कोई हल सुझाइए। धर्मगुरु कुछ बोलिए। धर्मगुरु वरना सब नष्ट हो जाएगा। ऐसे शांत क्यों बैठे हैं? कुछ तो बोलिए, क्या करें? कुछ बोलिए धर्मगुरु। जाओ जाओ सभी लोग, सबसे पहले धर्मगंज की सारी किताबों को किसी सुरक्षित जगह पे लेके जाओ। जाओ जाओ, चलो। नीति शास्त्र, धर्म शास्त्र, सभी किताबों को बचाओ। क्या लाभ होगा? क्या लाभ होगा मतलब क्या? सालों के ज्ञान का ये ऐसे राख होने देंगे? इन ज्ञान के मंदिरों को ऐसे ही तबाह नहीं होने दे सकते? आप फिर वही गलती कर रहे हैं। मैं गलती कर रहा हूँ? क्या गलती कर रहा हूँ मैं? क्या गलत है इसमें? इस ज्ञान को बचा पाना ये है मेरी गलती, या फिर इन ज्ञान के मंदिरों को नष्ट होने से बचाना ये है मेरी गलती? आने वाले दुश्मन के आक्रमण से इस जगह को बचाना ये है मेरी गलती, या आपके जैसे ऐसे शांत बैठे रहना ये है मेरी गलती? निरंतर चलते हुए अंत और शुरुआत के चक्र को तोड़ना ये है आपकी गलती आज। अरे पर क्या है अंत? क्या है अंत? नालंदा चल रहा है, आर्यभट्ट खत्म हो रहा है। नालंदा इस चक्र में सभी को शुरुआत कर अंत करना ही है। अगर आप इसे समस्या समझते रहेंगे तो गोल गोल घूमते रह जाएंगे। गोल गोल घूमते रह जाएंगे आर्यभट्ट। एक स्थान से शुरू होकर फिर से वही आकर मिलेगा।
आधा अंग अंग जो है वह नहीं है, वह नहीं है इसलिए किसी नए की शुरुआत है। अंग शून्य शून्य जो है वह नहीं है, हाँ और वो शून्य तुम ही तो हो आर्यभट्ट, वो शून्य तुम ही तो हो। धर्मगुरु 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 मैं ही तो वो शून्य पृथ्वी के उस निरंतर चक्र का हिस्सा जो एक स्थान से शुरू होकर फिर से वही आकर मिलता है, बिंदु नालंदा जल गया, पूरी तरह से तबाह हो गए, नष्ट हो गए। क्या हम पृथ्वी को बचा पाएंगे? क्या हम ये ढूंढ पाएंगे कि ये पूरी वसुंधरा कैसे खत्म होगी, क्यों खत्म होगी, या बस देखते रहेंगे? क्योंकि देखना तो बड़ा शौक है, जो दिखता है उसे बुरा कहते हैं, जो दिखता नहीं उसे खुदा कहते हैं। खुदा क्या उस ऊपर वाले की, उस प्रकृति की, उस ताकत पर अपना हक जताना सही है? वो तो हम वैसे भी कर रहे हैं। पृथ्वी को यूं कैसे भी आजमा कर, फिर क्या फर्क है बचाने में और नष्ट करने में, क्या फर्क है? सॉरी सर, मैं इन्वेंशन नहीं कंप्लीट कर सकता। आई एम सॉरी। अबे तू क्या पागल वागल है क्या? तूने मुझे पागल समझा हुआ है? क्या नहीं कर सकता? नहीं कर सकता सर, सॉरी। एक मिनट, तुझे क्या थोड़े और पैसे से चाहिए क्या? बोलना क्या चाहिए तुझे? नहीं सर, नहीं चाहिए। आई एम नॉट केपेबल ऑफ कंप्लीटिंग दिस प्रोजेक्ट। अरे भाई तू क्या, तेरी प्रॉब्लम क्या है? तू प्रॉब्लम बता, तेरी प्रॉब्लम क्या है? सर, मेरे आविष्कार में कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा आविष्कार खुद एक प्रॉब्लम है। सॉरी। व्हाट बुलशिट, ये तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया फिर? सर ये मुझे अभी रियलाइज हुआ है। एक मिनट तू रुक, तू ये सब इसलिए कर रहा है ना ताकि मैं तुझे बाहर जाने के पैसे दूं? अबे तूने क्या मुझे बेवकूफ समझाया क्या? चल चल अपना ये नाटक वाटक बंद कर और सुन, तेरे जैसे ना 50 मिलेंगे मुझे, समझा? चल निकल। सर आपको मेरे जैसे 50 मिलेंगे, 100 मिलेंगे, 1000 मिलेंगे, 10,000 मिलेंगे, 500 करोड़ मिलेंगे, करोड़ शून्य 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 मिलेंगे। वरना सर आपको ये शून्य कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा।